प्राइसेस बुलिश जोन में ट्रेड कर रहे हैं। बुलिश जोन यानी कि क्या है, वीकली सीपीआर एंड डेली सीपीआर दोनों के ऊपर। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो, एक पहला जो है डोजी कैंडल बना था जो कि न्यूट्रल कैंडल था, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनाया है, तो हमने यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय किया है। अभी बैंक निफ्टी 43,936 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मैंने एक इन द मनी के दो लॉट एंड एट द मनी का एक लॉट बाय किया है। अब यहां से देखेंगे मार्केट कितना मोमेंटम देता है, आगे कितना जाता है। हमारे सभी वीडियोस एजुकेशनल पर्पज होते हैं, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, ट्रेडिंग इज रिस्की बिजनेस, डू एट योर ओन रिस्क। यहाँ पे लगभग 2,800 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी मेरे सामने चार्ट लगा है, मोमेंटम में है, मॉर्निंग का ट्रेड है, 9:28 हो रहे हैं, तो यहाँ पे मोमेंटम बन रहा है तो बने रहेंगे हम। एंड वीकली एक्सपायरी है, आज 22 जून है तो एक्सपायरी है थर्सडे है, तो यहाँ पे थर्सडे के दिन मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है। हमारे स्टूडेंट को मालूम है कि पहला जो रेजिस्टेंस होता है बैंक निफ्टी इजीली ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस नैरो सीपीआर है। तो कल अगर देखते हैं प्राइस एक्शन बहुत यहाँ पे रेंज में ट्रेड किया था, ट्रैप जोन वाइड था एंड यहाँ पे जो सेलर्स थे वो ट्रैप हो चुके हैं, ट्रैप ट्रेडर के ऊपर मार्केट निकला है, तो यहाँ पे निकला है तो थोड़ा सा मोमेंटम जरूर देगा। तो उसी मोमेंटम में लगभग 3,000 के आसपास प्रॉफिट बना है। अब हम देखेंगे कि और कितना हम यहाँ पे इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे क्रिकेट में टाइमिंग के साथ सिक्सर जा सकता है, अगर टाइमिंग गलत हो तो कैच जा सकता है, तो ये ऑप्शन बाइंग स्पेशली मॉर्निंग का, तो वो भी टाइमिंग का गेम है। कोई ट्रेडर कहते हैं कि सर हमें 10,000 से कैसे ट्रेड करना है वो बताइए, ये आपके लिए मैं बताऊंगा, यूज्ड मार्जिन 10,000 रुपीज ही है। ओके, तो ये जितना एक्सपायरी वाले दिन जितना कम क्वांटिटी रखोगे, जितना कम कैपिटल रखोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बनाए रहेगा। अब यहाँ पे 3,700 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, तो 10,000 में 4,000 रुपये प्रॉफिट हैंडसम अच्छा होता है। अब यहाँ पे मुझे लगता है बैंक निफ्टी एक पॉज लेगा, तो यहाँ पे 4,000 प्रॉफिट जैसे ही आएगा मैं प्रॉफिट बुक करूँगा, क्योंकि ज़्यादा लालच भी अच्छी बात नहीं है, तो यहाँ पे जैसे मतलब एक मोमेंटम आएगा मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। जो जॉब कर रहे हैं वो माइंडसेट यहाँ पे काम नहीं करता है, ये बिजनेस है, तो इसको रिस्क टेकिंग माइंडसेट एंड कैलकुलेटिव रिस्क टेकिंग माइंडसेट होना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में भी लिखिए कि आप रहते हो तो क्या, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट पॉज आ गया, मैं बातें करता था तो उस टाइम मार्केट रिवर्स आ गया था, रिट्रेसमेंट कर रहा है। देखो इस पोजीशन से मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया है, R1 का थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया है, एक रेड कैंडल बनाया है, तो आज मेरी गलती हो चुकी है। 4,000 का जब प्रॉफिट आया था तब मैं थोड़ा बिजी था एंड इसके चक्कर में मार्केट नीचे आ गया एंड मैं टाइम पे प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया, फिर भी मेरा पोजीशन पॉजिटिव में है, लगभग 800-900 रुपये का प्रॉफिट है। अगर स्विंग बनेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे इसको काट दूंगा। एंड इस गलती से आपने क्या सीखा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो मैं एक जो पोजीशन है मेरा स्क्वेयर ऑफ कर चुका हूँ 600 के प्रॉफिट में एंड दूसरा जो पोजीशन है वो बना है एक लॉट का, वो भी मैं अभी जल्दी निकाल दूंगा। तो ये मेरी गलती हो चुकी है, तो आपने ये नहीं है कि यही गलती आप करें, तो आप मुझे लगाइए इस गलती से क्या सीखा एंड आप ये गलती ना हो इसके लिए क्या करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो स्विंग आया था ना वहां पे मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए था R1 के पास। ओके, तो मैंने थोड़ा बिजी था, फोन बात कर रहा था, तो उस टाइम मैं बुक नहीं कर पाया। मार्केट का वेरिएशन रहता है कि हर दिन आपको प्रॉफिट ही मिलेगा ऐसा नहीं है, कभी कभी लॉस हो सकता है या कभी कभी नो लॉस नो प्रॉफिट में भी आप निकल सकते हो, तो ऐसे दिन आएंगे, फोमो में मत जाना, डरना नहीं है, बस हमको डिसिप्लिन फॉलो करना है, जो गलतियां है उसको लिख के रखना है एंड ट्रेडिंग जर्नल फॉर्म जरूर फिल करना। तो ठीक है, मैं आपको ये दूसरा भी जो लॉट है उसको भी मैं आपके सामने स्क्वेयर ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोनों पोजीशन स्क्वेयर ऑफ किए, कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगा मैं। थैंक यू।